तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई नो आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आज आप सभी का एक न्यू ट्रैवलिंग वीडियो में स्वागत है। और आज हम कहीं पे जा रहे हैं, मालूम नहीं कहाँ पे जा रहे हैं। अभी मेरे साथ मिनल है। हाय। तो काफ़ी दिनों के बाद हम मिले हैं और कहीं पे घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। अभी हम कार में है, तो देखते हैं कहाँ पे जाते हैं। अभी हम चिखली में है और हमने ऐसा प्लान किया है कि हम सापुतारा जा रहे हैं। तो गाइस, अभी हम सापुतारा जाने वाले हैं, लेकिन अभी हम कहीं पे वास्ता में रुके हैं। थोड़ा एक कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर ऐसा कुछ नाश्ता कर लेते हैं। और मिनल बैठा है और मेरे पीछे देख सकते हो आप। तो गाइस, अभी हम वास्ता में है और सापुतारा जा रहे हैं। तो रास्ते में हमने सोचा चलो बर्गर खा लेते हैं। तो आप पहले खा लीजिए, बाद में हम खाते हैं। और थोड़ा सुबह मैंने नाश्ता तो किया था, मैंने थोड़ा खाना खा लिया था, लेकिन अभी ट्रिप थोड़ी लंबी है तो कुछ नाश्ता कर लेते हैं। और नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। अभी हम है वास्ता वघई रोड पे और जा रहे हैं सापुतारा। तो यहाँ के नज़ारे मस्त है। यहाँ के जो नज़ारे है वो देख के हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो आप भी एंजॉय कीजिए। आप यहाँ के रास्ते देख सकते हो और यहाँ पे अभी मॉनसून ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हरियाली ही हरियाली है। तो गाइस, अभी हम है हनुमान जी का टेम्पल वघई रोड पे है। तो हमने सोचा यहाँ से हम सापुतारा जा रहे थे, तो हमने सोचा कि दादा के दर्शन करके जाते हैं। वैसे भी मैंने पहला व्लॉग जो था वो यहाँ से ही स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा चलो आज यहाँ से जा रहे हैं तो दादा का आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो आप देख सकते हो और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, मस्त है। जय सियाराम। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा और यहाँ पे नदी भी है और सामने आप व्यू देखिए, ऑसम व्यू है। तो हम तो ये जो व्यू है इसका मज़ा ले रहे हैं, तो आप भी लीजिए। प्लीज, आप अगर वघई और डांग साइड आते हो तो आपको यहाँ से यहाँ के नेचर से जुड़ने का मौका मिलेगा। और यो क्या जबरदस्त, आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। ये अभी हम सापुतारा पहुँचने वाले हैं और आप मेरा पीछे का व्यू देख सकते हो। और अभी हम कहीं पे रुके हैं, तो अभी पहुँचने ही वाले हैं। और हमने आज की ट्रिप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप अभी देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। देखो यहाँ पे टोल नाका आ चुका है और यहाँ पे पर्ची काटनी पड़ती है। कितना लिया? 30 रुपीज का। तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। रास्ता है वो स्नेक जैसा है, सांप जैसा, इसीलिए सापुतारा को सांपों का गढ़ सापुतारा ऐसा है। इसीलिए यहाँ के रास्ते जो है वो स्नेक जैसा चलता है ना, सांप पैसा है। तो आप यहाँ पे जो घाट है वो बहुत ही खतरनाक है। वैसे तो हमारा ड्राइवर जो है वो परफेक्ट है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस, अभी हम सापुतारा पहुँच चुके हैं और आते ही हमारा तो बारिश ने स्वागत कर दिया। और अभी हम यहाँ पे रुके है, आते ही हमारा बारिश ने स्वागत कर लिया। देख लीजिए आप बैकग्राउंड में पानी 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 से भर गया सापुतारा। अभी हम सापुतारा में है और देख लीजिए यहाँ के हालत, अचानक ही आज बारिश आ गई। वैसे तो मानसून सीजन तो खत्म हो गया है, लेकिन क्या करें, ये बारिश भी है ना, बिन बुलाई मेहमान जैसी आ गई है आज तो। और हमारी ट्रिप की तो, लेकिन एंजॉय तो करेंगे ही, आए हैं तो यहाँ पे इतने दूर। और बारिश भी बंद हो गई है, तो यहाँ पे जो बोट है
उसमें जाते हैं और लेक में जाके मजा लेते हैं। बारिश की वजह से आई थिंक पब्लिक कम हो गया है, बारिश ने मौसम बिगाड़ दिया थोड़ा। यहाँ का मस्त व्यू है गाइस, अभी हम यहाँ पे लेक में जाने वाले हैं, तो यहाँ का टिकट हमने ले लिया है काउंटर पे से। अभी हम लेक में आ गए हैं और हमने सेफ्टी जैकेट बोट के लिए पहन लिया है, क्योंकि सेफ्टी ज़रूरी है पहले। तो गाइस अभी हम बोट में बैठ गए हैं और बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं और हम यहाँ का आपको नज़ारा भी दिखाएंगे। तो ये देखो मीनल। तो वैसे हम अभी आई थिंक 4 बजने वाले हैं और अभी सापुतारा में है। हमने सेफ्टी जैकेट भी पहना है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है अगर आप बोट में बोटिंग करते हो। तो हम यहाँ का एंजॉय भी कर रहे हैं और आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखाएंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखते रहिए। तो गाइस आप भी यहाँ का यहाँ पे सापुतारा में आके बोटिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे एक लेक है जहाँ का मजा कुछ और ही है, तो यहाँ का व्यू भी देखिए और मजा भी लीजिए। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स ग्रो, लेट्स रॉक। मेरे को एक बात भी बोलनी थी, अगर आप पैसा कमाते हो और पैसा क्यों कमाते हैं हम लोग एन्जॉयमेंट करने के लिए। तो मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि अगर आप वीक में एक दो दिन भी आपको ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवलिंग से हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिलते हैं और कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ता है, तो मज़ा आ जाता है। तो मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, ट्रैवलिंग आप लोगों को करना चाहिए। ऐसे मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ऐसे भी घूमना चाहिए तो मज़ा आएगा, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा बढ़ता है। देख सकते हो यहाँ का मज़ा। तो हमने इन भाई लोगों से फ़ोटो खिंचवाया है। और आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? वास्ता व्यारा, ओके। तो ये लोग भी यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे, इसलिए हमने शूट कर लिया है। मस्त है यहाँ का व्यू। और तो गाइस अभी हमने बोटिंग कर लिया है और बाहर निकल आए हैं लेक से, तो मज़ा आ गया। और यहाँ का व्यू देखिए। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आपको भी यहाँ पे वीकेंड में घूमने के लिए वनडे ट्रिप में आ सकते हैं। और यहाँ पे दो पर्सन के ये जो बोट है, इसमें एक पर्सन का मतलब कि एक बोट का 320 रुपया, इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं और 6 लोगों के भी है उसका ज़्यादा रेट है। तो लेकिन आप यहाँ पे आके एंजॉय तो कर सकते हो और यहाँ का मज़ा ले सकते हो। भाई मज़ा आ गया, भूख लगी है तो क्या खाते हैं ऐसा सोचा तो हमने ये मैंगो ले लिया कच्ची। लेक में एंजॉय करने के बाद अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट। सापुतारा में ही है, तो हम सनसेट पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ का मज़ा लेते हैं। अभी कितने बजे हैं? 5 बजे। अभी 5 बजे हैं, अभी हम सापुतारा में ही है, तो सनसेट पॉइंट का व्यू देखते हैं और मज़ा लेते हैं। और अभी हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट और आप देख सकते हो रोप वे का नज़ारा। अभी हम आ गए हैं सनसेट पॉइंट पे और कार पार्किंग कर दी है और यहाँ का भी सनसेट पॉइंट का मज़ा लेते हैं। अभी 5 बज गए हैं, तो अभी थोड़ी देर में सनसेट होगा तो उसका भी हम मज़ा लेते हैं और आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पे आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आज सापुतारा में बारिश भी आई थी, तो इसलिए थोड़ा मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आज काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आए हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ का व्यू।
अभी हम थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था और वैसे ही एक बर्गर खाया था। तो अभी हम कुछ नाश्ता कर लेते हैं, 5 बजने वाले हैं और मेरे साथ मिनल भी है। आज कैसा मजा आया? बहुत इंजॉय किया हमने आज। यस, आज हमने बहुत इंजॉय किया। वैसे हमने ट्रिप प्लानिंग करके नहीं आए, ऑन द स्पॉट ही आए हैं। तो हमने अभी नाश्ते के लिए ऑर्डर किया है, तो नाश्ता करते हैं, बाद में हम आपको सनसेट का व्यू भी दिखाएंगे। ओके, नाश्ते के लिए ऑर्डर किया था, वो पाव भाजी आ गई है। देखते हैं, हम ट्राई करते हैं कैसी लगती है। अगर अच्छी लगी तो हम आपको भी प्रीफर करेंगे यहाँ आने के लिए। तो पहले हम ट्राई करते हैं कैसा लगते हैं, बाद में हम आपको बताते हैं। तो गाइस, हमने नाश्ता कर लिया और मिनरल का पूछते हैं कैसा लगा। हाँ, रिव्यू चाहिए मेरे को। बकवास था, बकवास। ठीक ठाक था, क्योंकि क्या है ना, बाहर निकलते हैं तो थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो ठीक ठाक था। तो आप यहाँ का व्यू देख सकते हो, और आज हमें सन नहीं देखने को मिला, क्योंकि आज थोड़ा बारिश का मौसम था, तो इसलिए आप यहाँ का व्यू देख सकते हो। और आज हमें सनसेट पॉइंट पे आए थे, लेकिन सनसेट पॉइंट में तो सन दिखाई ही नहीं दिया आज तो। अरे भाई, मैंने बोला था ये पूरा ही निकल आया क्या? हाँ, मेरी बात सुन के निकल आया। यहाँ का व्यू ऐसा कुछ है, और आज बारिश की वजह से डुमस ज़्यादा है, तो सनसेट पॉइंट पे ज़्यादा कुछ ऐसा व्यू कुछ दिखाई नहीं दिया। तो गाइस, आप यहाँ पे लेक देख सकते हो, हम जहाँ पे गए थे ना बोटिंग करने के लिए, वही लेक है। और यहाँ का व्यू भी आप देख सकते हो, हम काफ़ी मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे। और अभी बजे है, ओ अरे 6:15 बजे है, 6 बजने वाले हैं। हाँ। तो गाइस, अभी हम 7 बजने वाले हैं और सापुतारा में ही है, सनसेट पॉइंट से नीचे उतर रहे हैं। तो वैसे मैं अभी हम देखते हैं घर जाने वाले हैं या फिर कैसा करते हैं, क्योंकि घर पे मैं बोल के नहीं आया था कि मैं सापुतारा जाने वाला हूँ। ऐसे ही हम चिखली के लिए निकले थे और ऑन द स्पॉट प्लानिंग करके सापुतारा निकल आए थे। तो घर से फोन आ गया है, मम्मी ने बोला कि कहाँ पे हो, तो मैंने बोला सापुतारा है। उनको भी मालूम नहीं था कि मैं सापुतारा में घूमने के लिए आया हूँ, ऐसे ही ऑन द स्पॉट प्लानिंग कर दिया था। तो मैंने कॉल भी नहीं किया था कि हम सापुतारा घूमने जाने वाले हैं। तो अभी फोन आ गया है तो जाना तो पड़ेगा ही, लेट होगा तो अभी, लेकिन देखते हैं। अभी हम निकल गए हैं, सनसेट पॉइंट से नीचे उतर रहे हैं, तो देखते हैं अगर लेट होता है तो कहीं पे खाना भी खा लेंगे, और कैसा एडजस्टमेंट करते हैं वो कुछ मालूम नहीं है, देखते हैं अगर। तो अभी हमने सापुतारा को अलविदा कह दिया है और सापुतारा से नीचे उतर रहे हैं। तो रात का कुछ ऐसा व्यू है रास्ते का, आप देख सकते हो आसपास काफ़ी सुनसान है, और रात को यहाँ पे ऐसा भी है कि रात को यहाँ पे जो वन्य जीव है वो रास्ते पे निकलते हैं, अगर हमको कहीं पे देखने को मिल गया तो हम आपको दिखाएंगे। तो रात का ऐसा कुछ व्यू है, और अभी हम सापुतारा को अलविदा कह के अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं, घर जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में हमें एक डांगी नेचर ऑफ होम वहाँ पे रुके हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्या सीन है, और यहाँ का ऐसा कुछ नज़ारा है। अभी 9 बजने वाले हैं, तो डांगी नेचर ऑफ होम क्या है वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे खाना बनाते थे, ये घर घंटी है, और ये बारिश में उठने के लिए जो होता है वही है, और इसमें आई थिंक तो क्या बोलते हैं उसको, डूट को, यानी कि मालूम नहीं उसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना आपको मालूम है तो। और अच्छा, काफ़ी सारा, और
ये पहले के बर्तन हैं, पुराने जमाने के। यहाँ पे आदिवासी के जो मैरिज होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे जो ढोलक है वो ऐसे होते हैं, और ऐसा कुछ है, आप देख सकते हो, मस्त है देखने के लिए। अभी हम खाने के लिए आ चुके हैं, तो ऐसा कुछ नज़ारा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैठने का ऐसा कुछ प्रबंध है। सूस निकाल दे रहे हैं। अभी हम नेचर ऑफ डांगी, नेचर ऑफ होम रेस्टोरेंट में आ चुके हैं, तो यहाँ पे बैठने का ऐसा कुछ नज़ारा है, नीचे बैठ के खाने का है। तो आज हमने सोचा, वैसे तो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टेबल पे बैठ के ही खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नज़ारा है, तो आप देख सकते हो। हमने डांगी थाली आ चुके हैं, तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा कि क्या क्या इसको बोलते हैं। तो नज़िक ये है डांगली का, नागली का पापड़, और ये है क्या इसका, हाँ पनेला, और ये डांगी रोटी है, और ये है चावल का रोटला, और ये है कड़ी, वैसे तो आपने देखा ही होगा, और ये है मूंग की दाल, हाँ, और ये है ब्राउन राइस का सूप, और ये है नागली का सीरा, ये है ना, हाँ, और यहाँ पे अलग अलग जाती, ये ग्रीन चटनी है, और ये कोई अचार है, तो ऐसा कुछ है। हम खाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं कैसा लगता है, तो कंटिन्यू रहिए। तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया है, खाना ज़बरदस्त था, एक डिश का 240 रुपया है, लेकिन खाने का बेस्ट था। तो आपको तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप सापुतारा की ट्रिप मारते हो, तो आप डांगी नेचर ऑफ होम रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खाने के लिए आप एक बार तो ज़रूर आना। यहाँ पे आपको प्योर आदिवासी खाना मिलेगा, तो वहाँ पे आप खाना खा के एक अलग ही मज़ा ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे खाने के लिए रुके थे, नाम है रेस्टोरेंट का डांगी नेचर ऑफ होम। तो अभी हम घर जाने वाले हैं, खाना तो खा लिया, पेट पूंजा कर ली है, अभी हम घर जाते हैं। ओके थैंक यू। अभी हम आ गए हैं चिखली, और चिखली से मेरा घर काफ़ी नज़दीक है। तो आज हमने सापुतारा ट्रिप में बहुत एंजॉय किया, मज़ा किया है ना मिनल? हाँ, बहुत एंजॉय किया हमने। हाँ, तो गाइस आज का वीडियो यहीं रखी, हम फिर मिलते हैं एक न्यू ट्रैवलिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय सियाराम, जय बजरंगबली, और टाटा, बाय बाय।